शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन करेगी जेडीयू। विधायकों से बात के बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। तो जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। तो जेडीयू भी अब समर्थन करेगी रामनाथ कोविंद का। शशि भूषण हमारे साथ है। शशि, जिस तरह से हमने देखा था कि आरजेडी ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि एक तरफा इसको फैसला करार दिया गया था, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, क्या माने इसमें आरजेडी की भी राय है? नहीं, देखिए आरजेडी की राय नहीं है और हमने लगातार बताया है दर्शकों को। 19 तारीख को भी जब हम आपके साथ जुड़े थे तो दर्शकों को हमने बताया था कि नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो रामनाथ कोविंद का के नाम का समर्थन ना करें। हाँ, इसकी वजह जरूर है उनके पास कि वो उनके नाम का समर्थन जरूर करें। और वो उसी ने बता दिया था 19 जून को कि नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड जो है वो रामनाथ कोविंद के नाम का समर्थन करेगा ही करेगा। तो फैसला औपचारिक तौर पर लेने के लिए जो विधायकों की राय है वो नीतीश कुमार आज सुबह से ले रहे हैं। तो चुनिंदा विधायकों को उन्होंने अपने आवास पे बुलाया है और लगातार उनसे वो मंतव्य ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसी क्रम में जब विधायक अंदर से निकल रहे हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, क्योंकि तमाम हमारे सहयोगी और हम लोग लगातार वहां पे बने हुए हैं। और रत्नेश सदा ने निकल करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि रामनाथ कोविंद का समर्थन जनता दल यूनाइटेड करेगा, नीतीश कुमार इस पर फैसला ले चुके हैं। तो अब ये मान लीजिए कि जो विधायकों की राय जानने के बाद जो कोर ग्रुप की बैठक होनी है थोड़ी देर में, क्योंकि केसी त्यागी पटना पहुंच चुके हैं, शरद यादव को 1:30 बजे पहुंचना है, तो उसके बाद तमाम नेता बैठेंगे और कोर ग्रुप की बैठक होगी। तो बहुत औपचारिकता है जिसको पूरा कर लिया जाएगा। और ये इस बात की अंदेशा भी लगाया जा रहा था जब तारीफ की गई थी नीतीश कुमार की ओर से रामनाथ कोविंद की ओर से, जिस दिन उनका नाम ऐलान किया गया था एनडीए की ओर से, उसके लिए बाद वो मिलने भी वहां पर उनके साथ पहुंचे थे। चलिए, जानकारी देने के लिए शशि भूषण बहुत बहुत धन्यवाद, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो आपको एक और इंफॉर्मेशन देते हैं। दरअसल ये जेडीयू की राय है, इसमें आरजेडी की राय शामिल नहीं है। तो ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश ने महागठबंधन या फिर विपक्ष से एक अलग स्टैंड लिया हो। बीते एक साल में तमाम मुद्दों पर उनका रुख एकदम अलग रहा है। चाहे फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने का उन्होंने विरोध किया हो या फिर नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया हो, जीएसटी को लेकर कांग्रेस के विरोध के बावजूद उन्होंने समर्थन किया, यानी तमाम बड़े मुद्दों पर जिनको लेकर विपक्ष मोदी को घेरने में जुटा था, नीतीश ने उन मुद्दों को लेकर अपना स्टैंड एकदम अलग रखा। और इस बार भी हमें यही कुछ देखने को मिला रामनाथ कोविंद को लेकर।